खबर रायबरेली से। रायबरेली में एक संत ने पर्यावरण को बचाने और गंगा की रक्षा के लिए गंगा नदी में 51 कुंतल चावल का अच्छत छोड़कर जल जीवों को बचाने के लिए एक अनोखी मिसाल पेश की। दरअसल रायबरेली के गेगोसी गंगा तट पर पूरे सावन मास बाबा मुंडमालेश्वर में एक विशाल पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें रात दिन शिव के मंत्रोच्चारण के साथ चावल अच्छत चढ़ाया गया, जो कि 1.25 कुंतल चढ़ाया गया। पूजन समाप्त होने के बाद कुछ चावल का अच्छत गौशालाओं में गायों को खाने के लिए भेजा गया और बाकी का अच्छत गंगा नदी में छोड़ा गया। गंगा नदी में चावल के अच्छत छोड़ने का कार्यक्रम मंत्रोच्चार के साथ करीब 5 घंटे तक चला, जिसमें 51 कुंतल चावल को गंगा नदी में मौजूद मछली और कछुआ को खाने के लिए छोड़ा गया। संत उमेश चैतन्य की माने तो पर्यावरण को बचाने के लिए और देश की रक्षा व गंगा की रक्षा का संकल्प लेकर 1 माह तक गंगा तट पर स्थित बाबा मुंड मालेश्वर का पूजन किया गया। उस दौरान जो चावल का अच्छत चढ़ाया गया उसमें से कुछ गौशालाओं में गायों को खिलाने के लिए भेजा गया और बाकी का बचा करीब 51 कुंतल चावल अच्छत गंगा नदी में मंत्रोच्चार के साथ छोड़ा गया है, जिससे गंगा नदी में पल रहे कछुआ और मछली साथ ही अन्य जल जीव सुरक्षित रह सके, जिससे माँ गंगा को साफ रखने और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि जल जीव माँ गंगा को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। गुरु जी, आज आपने गंगा नदी में जो अच्छत है, चावल है, भारी मात्रा में जो है उसको छोड़ा गया। कितना छोड़ा गया, वजह इससे क्या फायदा मिलेगा, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? बोले देवाद्यो महादेव की, बोले मालेश्वर सरकार की। श्रवण के प्रथम मास से 1.25 करोड़ चावल का जो संकल्प था, उस संकल्प के आधार पर हमने पूरे श्रवण मास संकल्पित भगवान भोलेनाथ को किया, जिसमें आधा चावल गौ रक्षा के लिए आश्रमों में भिजवा दिया और आधा करीब 51 कुंटल चावल करीब गंगा जी में समर्पित किया है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कछुए और मछली में इतनी अत्यधिक पावर शक्ति होती है जल को फिल्टर करने के लिए, जितनी भी गंदगी भगवती में होती है वो स्वयं अपने आप को समाप्त करने की ताकत रखती हैं और जितनी भी गंदगी होती है मछली और कछुए समाप्त कर देते हैं। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और ये मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए, कछुओं को सुरक्षित रखने के लिए, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए मैंने उनको भोजन के आहार में दिया है। और एक तरीके से ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार लक्ष्मी को लक्ष्मी स्वरूप मछली को माना गया है, और देश में मछली अगर सुरक्षित रहेगी तो लक्ष्मी भी हमारे देश में समृद्धि बढ़ती रहेगी, देश सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, धन और समृद्धि हमेशा भारत में हमेशा के हमेशा में विराजमान रहेगी। रायबरेली से हमारे संवाददाता संदीप मिश्र की रिपोर्ट।